अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैमरा टेस्ट करने वाले हैं वीवो V20 और वीवो V19 के दरमियान, और मैं आपको बताऊंगा कि किस मोबाइल फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा, कौन सा मोबाइल फोन ज्यादा अच्छी वीडियोस प्रोड्यूस करता है और कौन सा मोबाइल फोन ज्यादा अच्छी जो है वो आपको पिक्चर्स प्रोड्यूस करता है। और वीडियो के एंड में जो है मैं अपने हॉनेस्ट ओपिनियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप एंड में वो मेरी ओपिनियन जरूर सुनना। और कैमरा टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो वीडियो क्वालिटी को 720 या 1080p रेजोल्यूशन पे सेट कर ले ताकि आपको सही तरह वो डिफरेंस फील हो सके। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं कि दोनों पिक्चर्स ही सेम क्वालिटी की हैं और सेम डिटेल्स देखने को मिलती है, यानी कि कोई बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं नजर आ रहा। तो बैक कैमरा से ये देख सकते हैं कि सेम पिक्चर प्रोड्यूस हुई, और अगर ये वाली पिक्चर देखते हैं तो ये भी आपको सेम डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है, यानी कि दोनों मोबाइल फोन जो है वो बैक कैमरा से सेम पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं। और अगर बुके की बात करें तो यहाँ वीवो V20 बहुत बैड परफॉर्म करता है, कोई बार बार पिक्चर लेने के बावजूद भी मैं इससे सही पिक्चर कैप्चर नहीं कर पाया, और वीवो V19 बिल्कुल एक्सीलेंट किस्म की जो है वो आपको बुके इफेक्ट प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और अब मैंने कुछ पिक्चर्स जो है वो अगेंस्ट सनलाइट भी ली हैं, और उन पिक्चर्स में अगर मैं देखूं डिटेल्स तो तकरीबन मुझे सेम देखने को मिली, लेकिन सनलाइट में लेकिन अगेंस्ट सनलाइट थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आया वीवो V20, लेकिन डिटेल्स सेम ही थी। और अगर बात करें यहाँ पे मैक्रो शॉट की, तो यहाँ पे जो है वीवो V20 ज़्यादा बेहतरीन नज़र आया। और फ्रंट सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे जो है मुझे वीवो V19 ज़्यादा पसंद आया, डिटेल्स वीवो V20 में ज़्यादा हैं, इसके बावजूद भी स्किन टोन और ओवरऑल जो है वो मुझे वीवो V19 ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि फ्रंट सेल्फी है। तो आप भी देख सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कौन सा बेटर है। और नेक्स्ट अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो भाई दोनों मोबाइल फोन्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, और ये जज करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं वीडियोस की बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी ब्राइट पिक्चर्स यहाँ देखने को मिली वीवो V19 में, जो पिक्चर्स थी वो ज़्यादा ब्राइट थी वीवो V19 में। और आप देख सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि कहाँ पिक्चर को कहाँ पर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। और अगर अगेंस्ट सनलाइट बात करें तो यहाँ पर वीवो V20 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था अगेंस्ट सनलाइट, यहाँ वीवो V19 जो है इतना अच्छा V19 इतना अच्छा जो है परफॉर्म नहीं कर पाता था। इस मामले में वीवो V20 बेहतर था, लेकिन जो है वीडियो ज्यादा ब्राइट आपको देखने को मिलेगी वीवो V19 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो वीवो V20 से हो रही है, और एक वीवो V19 से हो रही है। और यहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है आपको वो डिटेल्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, और स्टेबलाइजेशन जो है वो भी आपने नोट करनी है कि कहाँ पर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और कहाँ पर डिटेल्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और साथ में जो है आपने जो कलर टोन है, स्किन कलर टोन और कलर की टोन जो है, आप मेरी शर्ट का कलर भी देख सकते हैं कि वो कौन सा जो है मोबाइल फ़ोन सही पिक कर रहा है, ये भी आप नोटिस कर सकते हैं। और वो मैं मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पे जो है वो मुझे सही देखने को मिल रहा था, और स्किन टोन जो है वो भी कहाँ पे सही आ रही है, और डिटेल्स वगैरह भी आप यानी कि वो देख सकते हैं, स्टेबलाइजेशन वगैरह भी आप इन सैंपल से जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मज़ेदार जो मोड देखने को मिलता है वो यहाँ पे जो कि वीवो V19 में देखने को मिलता है, वो सुपर वाइड एंगल जो है वो भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप बैक साइड पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर कर सकते हैं वीवो V19 में फ्रंट कैमरा से। और ये वो फीचर है जिसकी वजह से जो वीवो V19 का जो फ्रंट कैमरा है उसे मैं विनर ही समझता हूँ इस कंपटीशन में, बिकॉज यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो आपको खासतौर पर व्लॉगिंग के लिए देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट कैमरा में मौजूद है, और ये व्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। बिकॉज आप देखें तो अब आपको यहाँ पे बैक पे काफी ज्यादा एरिया जो है वो दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जो मेन लेंस यूज करता हूँ फ्रंट कैमरा पे तो पीछे कुछ भी नहीं नजर आएगा, बड़ी मुश्किल से मैं खुद उस कैमरा में नजर आऊंगा। तो वो जो है बैक पे ज्यादा एरिया कैप्चर करने में इशू होता है अगर फ्रंट पे डबल फोन चलो, यानी कि डबल कैमरा ना हो, साथ में 8 या 12 मेगापिक्सल या जितने भी मेगापिक्सल्स को हो, वो फ्रंट में आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलना चाहिए, जो कि आपको वीवो V20 में देखने को नहीं मिलता। तो ये एक कमी है वीवो V20 के फ्रंट कैमरा की, और बाकी 44 मेगापिक्सल अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको डबल कैमरा देखने को मिलना चाहिए था। मोबाइल फोन्स में आपको 10x डिजिटल जूम देखने को मिल जाता है, यानी कि कोई भी दूर के ऑब्जेक्ट को आप जूम करके देख सकते हैं, और 2x तक आपको ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स है इन दोनों मोबाइल फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है। और दोनों मोबाइल फ़ोन से आप बुके वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कलरफुल मोड भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और आप कलरफुल रहते हैं, और बुके मोड में बैक जो है बैक पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं और आप पे जो है मोबाइल का फोकस रहता है।
तो आपने कैमरा टेस्ट यहाँ पे देख लिया और मेरे जो ओपिनियंस हैं वो ये है कि Vivo V20 जो है उसका जो बैक कैमरा है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है Vivo V19 के मुकाबले में, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस स्लाइटली थोड़ा सा ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फ्रंट कैमरा जो है वो Vivo V19 का ज्यादा अच्छा ज्यादा बेटर तरीके से वर्क करता है और साथ में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फ्रंट कैमरा में Vivo V19 को एजाज से लिया, लेकिन बैक कैमरा में Vivo V20 थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म करता है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो है आप देख सकते हैं कि जो कि इतनी बड़ी अपग्रेड नहीं की गई Vivo V19 को मुकाबले में Vivo V20 को, यानी कि कोई ज्यादा फर्क नहीं, कैमरास में तकरीबन सेम फीचर्स ही देखने को मिलते हैं और डिटेल्स भी आपको सेम ही देखने को मिलती है, बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके वही कैमरास दिए गए, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली Vivo V19 के मुकाबले में Vivo V20 में, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है लेकिन कोई बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली यहाँ। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अल्लाह हाफिज़।